फ्रेंड्स, यदि आपके गुड़हल प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, पौधा एकदम कमज़ोर नज़र आ रहा है, या प्लांट में बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है जो कि अक्सर गुड़हल प्लांट में हो जाती हैं, कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज मैं आपको दो ऐसी घरेलू चीज़ें बताऊँगी जिनके इस्तेमाल से आप गुड़हल की इन सारी समस्याओं को ख़त्म कर देंगे और प्लांट में बहुत अच्छे फूल आने लगेंगे। पूरी बारिश भर पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और उसमें बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें आप अपने सभी गुड़हल की वैरायटी में डाल सकते हैं, क्योंकि दो तरह से गुड़हल प्लांट रहता है, एक वैरायटी ग्राफ्टेड होती है और दूसरी देसी होती है। तो सभी प्लांट्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और गुड़हल ही नहीं, आप गुलाब में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब में भी यदि फूल ना आने की समस्या है या फूल का आकार बहुत छोटा है तो आप इन चीज़ों का इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पहले बारिश के दिनों में गुड़हल प्लांट की देखभाल से संबंधित एक से दो बातें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली बात, ये प्लांट सन लविंग प्लांट है, इसलिए आप इसको पूरी धूप में रखें, क्योंकि बारिश के दिनों में अक्सर प्लांट को कम ही धूप लग पाती है, इसलिए जितनी भी धूप निकलती है धूप में ही आपको प्लांट को रखना है, इससे प्लांट में अच्छी फ्लॉरिंग होगी। यदि आप इसको सही धूप नहीं देते हैं तो प्लांट ग्रोथ तो करेगा लेकिन इसमें फूलों की संख्या कम हो जाएगी। दूसरी बात, लगातार पानी बरसने से प्लांट की सॉइल में पानी जमा हो जाता है, इसलिए ओवर वाटरिंग से बचना है। मिट्टी में ज़्यादा देर तक पानी रुका हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो प्लांट की जड़ें ख़राब हो जाएंगी और प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। यदि आपके प्लांट में फ्लॉरिंग हो रही है और पत्ती या फूल इस तरह से सूख जाते हैं तो इनको आपको समय समय पर हटाते रहना है, क्योंकि ये फूल मिट्टी में जमा हो जाते हैं और पानी बरसने से मिट्टी में ये फूल गीले होकर फंगस का कारण बन सकते हैं, इसलिए आपको इनको समय समय पर हटाना ज़रूरी है। मिट्टी में बिल्कुल भी आपको कचरा जमा नहीं होने देना है, इस तरह से सूखे हुए फूल पत्तियां सभी समय समय पर हटाते रहना है। इसके साथ ही मिट्टी की एक बार आपको गुड़ाई भी करनी है, ख़ासतौर पर जब आप किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो मिट्टी को हल्का करना ज़रूरी है। बारिश के दिनों में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ना डालें, यदि लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करना है तब बारिश यदि खुली हो, पानी नहीं बरस रहा हो तब यूज़ करें। तो चलिए मैं वो दो चीज़ें बताती हूँ जो आपको अपने गुड़हल की सॉइल में डालना है, आप देखेंगे प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगा है और उसमें फूल भी अच्छी मात्रा में आ रहे हैं। गुड़हल प्लांट के लिए सबसे पहले हमें यूज़ करना है चाय पत्ती का। मैंने यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है, 2 चम्मच चाय पत्ती का यूज़ किया है। जब भी आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो। गीली और बिना धोई हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आपके पास ये यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है तो आप फ्रेश टी लीफ का यूज़ कर सकते हैं, उसकी मात्रा इससे आधी कर दें। 1 छोटा चम्मच आप फ्रेश टी लीफ यूज़ करें। इसका फ़ायदा यह होता है कि प्लांट की मिट्टी एसिडिक हो जाती है और एसिडिक मिट्टी में गुड़हल प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और फूल भी उसमें अच्छे आते हैं। तो पहले हम इसको प्लांट में डालेंगे स्टेम से दूर, थोड़ा सा आपको मिट्टी हटा लेनी है साइड से। इसके बाद इसमें ये चाय पत्ती डाल देनी है। यदि आपका पॉट छोटा है तो आप इसकी मात्रा आधी कर लें, और इससे बड़ा है तो आप इसको ज़्यादा मात्रा में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन भी भरपूर मात्रा में होती है, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में उपयोगी है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ डालनी है वो पौधे की सॉइल में यदि किसी तरह के इंसेक्ट होंगे, मिट्टी में चींटियाँ या कीड़े हो जाते हैं तो उनसे प्लांट की सुरक्षा करेगी, क्योंकि यदि मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट रहते हैं तो उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं और हमारा प्लांट ग्रोथ रोक देता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये हल्दी पाउडर, ये सभी के घर में मिल जाती है, आसानी से आप इसका प्लांट पर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट के लिए बहुत उपयोगी है। तो आपको 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है, इससे मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट नहीं लगेंगे, चींटियां भी नहीं होंगी। इसके बाद आप पानी डाल दें। फ्रेंड्स, बारिश में इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट के लिए यूज़ ज़रूर करें, आप देखेंगे आपके गुड़हल प्लांट में बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। थैंक यू।